नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप YouTube में वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। YouTube में वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर लॉगिन करें। यहां आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ वीडियो कैमरे का एक साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब इसमें आपको अपलोड वीडियो लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल गया, इसमें क्लिक करके आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए इसके सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, अपने कंप्यूटर में सेव करके रखी गई वीडियो को अपलोड करें और अब आप देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड हो रहा है। अब जब तक यह प्रोसेस हो रहा है, हम कुछ और ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है टाइटल, यहाँ पर आप अपने वीडियो का नाम डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपने वीडियो का नाम लिख लिया। यहाँ नीचे दूसरे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि कम शब्दों में अपने वीडियो के बारे में बताना है। मैंने पहले से ही कुछ टाइप करके रखा हुआ है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके नीचे है थंबनेल, यहाँ पर आप अपनी बनाई थंबनेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप बाय डिफॉल्ट भी चुन सकते हैं। थंबनेल बनाते समय उसके साइज का ध्यान रखें, यह 2 MB से कम ही होनी चाहिए। अब नीचे आपको अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ नीचे लिखा है इज दिस वीडियो मेक फॉर किड्स, इसका मतलब है कि यह वीडियो बच्चों के लिए बना है, तो आपने अपनी वीडियो के अनुसार यस नो का चयन करना है। अब नीचे है टैग्स, जो कि आपके वीडियो सर्च के अनुसार आपके चैनल तक लोगों की पहुंच आसान बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ टैग्स देने चाहिए। नीचे यहाँ पर लैंग्वेज एंड सबटाइटल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर आपके चैनल की जो भाषा है वो दिखेगी, जिसे आप चाहें तो बदल सकते हैं, मैं भाषा यही रहने देती हूँ। उसके बाद नीचे जो ज़रूरी पॉइंट है वो है कैटेगरी, जिसका मतलब है आपकी वीडियो कौन सी कैटेगरी की है। यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, हमारी यह एजुकेशनल वीडियो है तो हम एजुकेशनल पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यह स्टेप पूरा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने मोनेटाइजेशन का पेज खुल गया है, अगर आप अपनी वीडियो से कोई इनकम करना चाहते हैं तो यहाँ इसे ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, फिलहाल अभी इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ऑप्शन है ऐड स्क्रीन का, इसमें आप चुन सकते हैं कि वीडियो खत्म होने पर क्या क्या दिखेगा। इसके लिए इस पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो खुल गई है। आप देख सकते हैं कि नीचे दिए टाइमलाइन में लास्ट के कुछ सेकंड्स में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अब आप इसमें ऐड करने के लिए ऊपर दिए यूजर्स टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और फिर आप यहाँ नीचे दिए बहुत से ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यह चुन लिया है। यहाँ पर और अच्छी जानकारी देने के लिए आप एडिट एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि आप वीडियो के एंड में क्या दिखाना चाहते हैं। आपके पास यहाँ कई ऑप्शन हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे चुन सकते हैं और आखिर में यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हुए रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। अब वापस आप इस पेज पर आ जाते हैं, नीचे यहाँ कार्ड्स का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में कुछ जानकारी वाले कार्ड्स होने चाहिए तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर रही हूँ। आखिरी स्टेप है विजिबिलिटी, यहाँ नीचे बॉक्स में से आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार चयन करना है। पहला है पब्लिक, इस ऑप्शन से आपकी वीडियो सभी व्यक्ति देख सकते हैं। दूसरा है अनलिस्टेड, इस पर क्लिक करने से आपकी वीडियो वही लोग देख पाएंगे जिनके साथ उस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। तीसरा है प्राइवेट, इसमें आपकी वीडियो केवल आप ही देख सकते हैं या फिर जिसको आप परमिशन देंगे। अब नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन से आप अपनी वीडियो अपने दिन और अपने समय के अनुसार पोस्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह वीडियो अगले 3 दिन बाद
मेरे दिए गए समय पर अपने आप अपलोड हो जाए, वह आप यहां से कर सकते हैं। दिनांक और समय तय करने के बाद आप यहां नीचे सेट एज प्राइमर पर क्लिक करें। पर मुझे अभी इस वीडियो को पोस्ट करना है, तो मैं पब्लिक पर क्लिक करते हुए नीचे पब्लिश्ड पर क्लिक करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो पब्लिश्ड हो गई है। नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करके आप इस वीडियो को बाकी सोशल साइट पर शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में नज़र आने लगी है। तो यह था YouTube में वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।